Hey guys, Swati here, welcome back to my channel, and in today's video I am going to share my Myntra Sari haul video. Abhi recently hi maine apne community tab par ek vote poll kiya tha ki aap next video mere channel par kaun si dekhna chahte hain, Myntra Sari haul video aur Amazon Sari haul. To sabse zyada vote mujhe Myntra Sari haul video ke liye aaye the, to main lekar aa gayi hu ek Myntra Sari haul video. ये काफ़ी अफोर्डेबल साड़ियाँ हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी हैं, ये सारे ओकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल होता है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच गुड वीडियोज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो गाइस. फर्स्ट साड़ी है फ्रॉम ब्रांड शैलिस्ते. ये है एक मल्टी कलर्ड साड़ी, इसमें है ग्रे, ब्राउन, रेड कलर्स. देखिए बहुत ही प्यारी साड़ी है. नीचे देखिए आप फॉल्स पर इस तरह से पर्ल की लेस लगाई गई है, और ये सेम ऐसी ही लेस पल्लू पर भी आती है फ्रंट की साइड. इस साड़ी का फैब्रिक है सैटिन, एंड इस साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर एंड विड्थ है 1.1 मीटर अप्रॉक्स, एंड जिसका ब्लाउज पीस है 0.1 मीटर का. कॉन्ट्रास्ट कलर का इसमें ब्लाउज पीस दिया गया है ब्राउन कलर का. बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी लगी, लाइट वेट है, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, किसी भी सेमी फॉर्मल ओकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है. बहुत ब्यूटीफुल लगती है इस पहनने के बाद, एंड फ्लोइंग है इसका फैब्रिक, वो ज़्यादा अच्छा लगता है. कोई फैब्रिक है इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप इसको पहनने के बाद. देखिए पल्ले पर इस तरह का फेस लगाया है, एंड मैंने इसके ब्लाउज पीस ब्लाउज को स्टिच करा लिया है. तो ये है इसका ब्लाउज का फैब्रिक, सेम जैसे साड़ी का है वैसे ही ब्लाउज का भी है, एंड इसके ब्लाउज पीस पे सेल्फ पैटर्न दिया गया है, हल्का सा चेक चेक बना हुआ है. ये है इसका ब्लाउज पीस. ओवरऑल ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत फ्लोई है एंड लाइट वेट है, तो सभी ओकेशन के लिए परफेक्ट साड़ी है. दूसरी साड़ी है सेम ब्रांड से शैलिस से, एंड ये मेरी फेवरेट साड़ी है. नेवी ब्लू गोल्डन कलर प्रिंट में ये साड़ी है, सिल्क की साड़ी है. ये है साड़ी का पल्लू, ये बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी. इट लुक्स सो अमेजिंग, जब आप इसको पहनते हो ना तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. एंड सॉलिड इसका बॉर्डर है इस तरह का, ये देखिए पिंक एंड रेड. इस साड़ी की लेंथ भी सेम पहले जैसे साड़ी पहले वाली साड़ी की जैसे ही है, 5.5 मीटर की इसकी लेंथ है, 1.1 मीटर की इसकी विड्थ है अप्रॉक्स, एंड 0.8 मीटर का इसका ब्लाउज है. देखिए नीचे इस तरीके का फॉल्स पे बॉर्डर आ रहा है, सॉलिड बॉर्डर है नीचे रेड एंड पिंक, एंड देन इसके ऊपर गोल्डन कलर का बॉर्डर आ रहा है. इस तरह की कपड़े, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी. एंड इन सभी साड़ी के प्राइस मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, तब आप देख सकते हैं मुझे कितने की पड़ेगी. मिंत्रा पर मेंशन है ये प्योर सिल्क, बट एक्चुअली प्योर सिल्क नहीं है, मैं इसे चंदेरी सिल्क बोलूँगी. चंदेरी सिल्क इसका मटेरियल है, एंड काफ़ी फ्लफी साड़ी है.
अच्छी लगती हैं ऐसी साड़ियाँ। आप जो लोग पतले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उनके लिए परफेक्ट है ये। उसमें थोड़ा सा ये उनकी हेल्प से ही लगेगी। कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिए गाइस। फर्स्ट टाइम में ही जब मैंने इसको देखा था तो सोच लिया था बस इसको लेना ही लेना है। ये प्रिटी साड़ी लगी मुझे। एंड इसका ब्लाउज पीस सेम जैसा साड़ी का है, साड़ी में सेम यही ब्लाउज पीस है इसका, बट मैंने इसके ब्लाउज पीस को कट नहीं करवाया है साड़ी से, मैंने इसका ब्लाउज अलग से बनवाया है रेड कलर में। रेड भी चल जाएगा इसके, पिंक भी अच्छा लगेगा एंड गोल्डन तो अच्छा लगता ही है। डिफरेंट लुक क्रिएट हो जाएगा एक ही साड़ी से, आप तीन कलर के ब्लाउज पीस चला सकते हैं इसके। मैंने इसको वेयर करके दिखाया है तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि मुझ पर कैसी लग रही है। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगी गाइस कि आप इस साड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस टाइम ये कलर तो आउट ऑफ स्टॉक है, बट इसमें और बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से कोई एक कलर अपने लिए देख सकते हैं। सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे पास नेवी ब्लू कलर की कोई साड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने इस कलर को चूज़ किया। एंड इसके सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं तो और कलर्स में ये अवेलेबल है। एंड अगर आपको ये सेम साड़ी ऐसी चाहिए तो आप इसको विशलिस्ट में डाल दीजिए, एंड जब ये रीस्टॉक होगी तब आप इसको परचेज कर पाएंगे।